क्वेश्चन फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर इनका सम कितना है 35 है, तो अगर फर्स्ट नंबर आपका क्या है एक्स है, तो अदर नंबर आपका वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स. ठीक है, तो लेट तो मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज इन्होंने हमको तो पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि जो दो नंबर्स हैं आपके एक्स और वाई हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट नंबर इज एक्स इफ फर्स्ट नंबर इज एक्स देन अदर नंबर इज वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 35 है ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 35 है तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स को उधर भेजो 35 माइनस एक्स हो जाएगा. और कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज अ मैक्सिमम. मतलब आपको इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है, मतलब एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू है ये फंक्शन क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए. तो सपोज इस फंक्शन को हमने क्या बोला, इस फंक्शन को हमने पी ऑफ एक्स बोल दो, एफ ऑफ एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो यहाँ प्रोडक्ट टाइप का दिख रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, तो हमने इसको पी ऑफ एक्स बोल दिया. तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5. अब क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या पुट करोगे 35 माइनस एक्स. करेक्ट, तो वाई की जगह हमने लिखा 35 माइनस एक्स, ये y की होल पावर 5 है, तो यहाँ पे हमने होल पावर 5 लगा दी. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर आपका क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, और 35 माइनस x की होल पावर 5 ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन है. प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दीजिए इसको पहले पूरे का करेंगे फिर 35 माइनस एक्स का करेंगे. ठीक है, तो पूरे का करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आगे, यानी कि 5 आ जाएगा आगे इंटू, और ये जो पूरा लिखा है यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 5 था, तो पावर में से 1 माइनस करो, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा इनटू, अब ध्यान दीजिए साथ में किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए पहले पूरे का किया अब अंदर का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स ऐसा होगा. ठीक, प्लस 35 माइनस एक्स का एक्स की पावर 5 इनटू, अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 2x को आप चाहे पीछे लिखिए चाहे आगे लिखिए, बात क्या है सेम है, चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो ऐसे 2x और चाहे आगे मल्टीप्लाई करो, तो इस 2x को मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आपके पास 35 माइनस एक्स. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 35 माइनस एक्स की पावर 4 एक्चुअल में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 35 का डेरिवेटिव तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या होगा माइनस 1, और वो माइनस 1 जब यहाँ पे आप पीछे मल्टीप्लाई करो और चाहे यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम है, तो माइनस 1 को हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 5 हो गया कुछ इस तरीके से. ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स और इन द ब्रैकेट 35 माइनस एक्स की पावर 5 ये हो गया. ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब देखिए ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को हम पहले लिख रहे हैं और नेगेटिव वाली को बाद में, यानी कि हमने लिखा पहले क्या 2x इन द ब्रैकेट 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये भाई यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है, और ये पूरी यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव वाली, नेगेटिव वाली को हमने बाद में लिख दिया माइनस 5x स्क्वायर और इन द ब्रैकेट 35 माइनस एक्स की पावर 4. करेक्ट, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और ध्यान से ज़रा चेक करिए बच्चों, देखिए यहाँ पर भी x अवेलेबल है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से x और x यहाँ से कॉमन आ सकता है, और उसके बाद 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 5 है तो होल पावर 4 को बाहर ले लेंगे तो बस 35 माइनस एक्स की होल पावर 1 ही बचेगा अंदर, यानी कि 35 माइनस एक्स बचेगा. ठीक है, तो कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इतना कॉपी कर लीजिए एक बार देख लीजिए क्या किया, देख लिया, चलो देखो तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, एक तो ये कॉमन लिया साथ में x भी कॉमन लिया, तो x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 होल पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या क्या चला गया, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा है यहाँ 2 इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 चला गया, तो केवल क्या बचेगा आपके पास 35 माइनस एक्स बचेगा यहाँ. ठीक है,
फिर यहाँ हमने लगाया माइनस फाइव, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर था यहाँ, तो एक एक्स बाहर चला गया तो एक्स बचेगा, ठीक है, तो इंटू एक्स, और ये तो पूरा बाहर ही चला गया 35 माइनस एक्स की होल पावर 4। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा आया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ध्यान दीजिए इसको हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं, 2 इंटू 35 70 होता है, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x होता है, और साथ में पीछे माइनस 5x आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो गया x इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास 70 माइनस माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ 70 और यहाँ 7 है, तो 7 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर 7 कॉमन आएगा तो हम यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, यानी कि हमारा हो जाएगा p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू x, 7 इंटू, देखो ये x तो था ही, x इंटू क्या हो जाएगा 35 माइनस x की होल पावर 4, और ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट में, अब इसको ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट बना लो, ठीक है, इस ब्रैकेट से ही 7 आप कॉमन लेके आते तो यहाँ क्या बचेगा 10, क्योंकि 7 10 जा 70 होता है, माइनस 7 चला गया बाहर, तो यहाँ बचा आपके पास कितना x। कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे, तो जब आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं, देखो इसमें है 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं जो प्रोडक्ट में, कौन कौन, 7 इंटू x इंटू 35 माइनस x की होल पावर 4 इंटू 10 माइनस एक्स। तो सुनो, सबको पता है कि 7 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, या तो x 0 होगा, या तो 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 0 होगा, या तो 10 माइनस एक्स 0 होगा, ठीक है। तो या तो x 0 होगा, तो x का एक वैल्यू तो क्या आ गया 0, और या तो 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 अगर 0 होगी। अब ये बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, इसमें कोई टेंशन नहीं है यार, यहाँ पे क्या है कि होल पावर 4 है, तो आप 0 का फोर्थ रूट लो, जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, वैसे 0 का फोर्थ रूट भी क्या होता है 0 होता है, यानी कि हम 0 का अगर फोर्थ रूट लेंगे तो 35 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x को उधर वे जो पॉजिटिव, यानी कि x इज इक्वल्स टू 35 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो सेकेंड वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 35 आ गई, ठीक है, और 10 माइनस एक्स को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x को राइट में भेजो, x इज इक्वल्स टू 10 या 10 इज इक्वल्स टू x, बात क्या है सेम, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए, x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 35, x इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आपके पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए, क्या क्या आया आपका, आपका आया है एक तो 0 आया है, और एक आया आपका क्या 10, और एक आया आपका 35, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, देखिए वैसे तो x इज इक्वल्स टू 0 पे हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 ले लूँगा तो यहाँ पे देखो ये जो p ऑफ x है कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर इंटू समथिंग 0, तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी 0 पे आइए, f dt लगाते हैं हम, ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो, तो 0 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो -1, तो हम निकालेंगे, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ क्योंकि वही इजी पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इसको फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो p डैश ऑफ 0 के लेफ्ट में एक नंबर चूज़ किया हमने -1, ठीक है, तो 7 इंटू -1। अब ध्यान से चेक करिए क्या, डायरेक्ट ध्यान से चेक करिए आप, अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे, देखो पावर यहाँ पे क्या है 4, जब भी इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको छोड़ो। अब 10 माइनस एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 1 11, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ जो x बैठा है इसकी वजह से 7 इंटू -1, x की वैल्यू -1 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी कि p डैश ऑफ -1 क्या आ जाएगा आपका लेस देन 0 आ जाएगा। तो 0 के लेफ्ट में जो हमारा साइन है डेरिवेटिव का वो कैसा है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली 0 के राइट में पॉजिटिव होगा, आप चेक करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो सपोज हम 0 के राइट में कोई नंबर चूज़ करते हैं तो p ऑफ 1 अगर हम करें तो पॉजिटिव होगा, आप खुद चेक कर लीजिए, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और बस इसी की वजह से तो पिछली बार नेगेटिव था ना, तो यहाँ x 1 रखोगे तो 7 इंटू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब 10 के लेफ्ट में तो ऑटोमेटिकली चेक हो गया, आप 10 के राइट में चेक करिए, ठीक है। अब देखो हमारा जो x इज इक्वल्स टू 0 पे साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्या है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो वैसे भी हम इसको नहीं लेंगे, क्यों,
क्योंकि हमको फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चूज करेंगे। अब ध्यान से चेक करिए, 10 के लेफ्ट में तो नेगेटिव आ रहा है, ऑटोमेटिकली चेक हो गया यार, क्यों, क्योंकि 10 के लेफ्ट में तो 1 आता है, 1 पे तो चेक किया था तो पॉजिटिव आया था। अब 10 के राइट में चेक करो, 10 के राइट में कोई नंबर चूज करो, तो 10 के राइट में अगर हम नंबर चूज करें स्टूडेंट्स 11 चूज करें, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, डायरेक्ट आ जा रहा है आंसर, कोई टेंशन नहीं लेना है। 10 माइनस 11 माइनस 1 हो जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं, पावर 4 ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और x कितना चूज किया, 11, 7 इंटू 11 पॉजिटिव होगा 77, तो इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, नेगेटिव, यानी कि साइन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो हमारा जो 10 है वो क्या है, हमारा 10 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब नेगेटिव से यहाँ पे पक्का पॉजिटिव हो जाएगा। आप ध्यान से चेक कर लीजिए, 35 के बाद कोई नंबर चूज करो, सपोज मैंने 40 चूज कर लिया, ठीक, तो x हो गया आपका 40, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ो। तो ये जो है आपका x की वैल्यू अगर आप 40 रखोगे तो 10 माइनस 40 माइनस 30 होगा, ठीक है, माइनस 30 होगा, यानी कि नेगेटिव आ गया। आप मेरे को लग रहा था पॉजिटिव आएगा, बट नेगेटिव आ गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस फिर से चेक करते हैं, 35 के राइट में अगर हम 40 रखें यहाँ पर, तो 10 माइनस 40 यहीं पे नेगेटिव हो जाएगा और बस नेगेटिव ही होगा। तो यानी कि जो 35 वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि साइन ही नहीं चेंज हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो बस आपको एक ही पॉइंट ऑफ मैक्स लोकल मैक्सिमा मिला है, दैट इज़ व्हाट, 10। तो बस क्लियरली जब एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला है और फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है, तो बस x इज इक्वल्स टू 10 ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और अगर x इज इक्वल्स टू 10 है और x इक्वल्स टू 10 है, तो ये x इक्वल्स टू 10 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 10 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जो x स्क्वायर और y की पावर 5 का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर x इज इक्वल्स टू 10 है तो y उस टाइम कितना होगा, y क्या था, आप अपनी कॉपी में चेक करिए, y था आपका 35 माइनस x था, यानी कि 35 माइनस x का वैल्यू 10, तो y कितना आ गया आपका, 25 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपके क्या है, 10 और 25। अब एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट p of x विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25, मतलब y इज इक्वल टू 25, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 25।